हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक प्लास्टिक नहीं ग्लास यस ग्लास की बॉटल में पेंटिंग करेंगे, वो भी सिजवान चटनी की। जो ग्लास जार बच जाते हैं ना, वो तो मेरे पास ये बड़ा वाला तो अभी भरा हुआ है, छोटा वाला खाली हो गया है। तो उसके लिए हमने उसका स्टिकर निकाल लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी इसमें हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपना एक्रेलिक कलर ले लिया है ब्लैक, क्योंकि इसका जो बेस रहेगा वो ब्लैक कलर करेंगे। अभी इसको पूरा ब्लैक करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो कुछ यूजफुल लगते हैं आपके दैनिक जीवन में या घर को सजाने के लिए, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ताकि मुझे और भी वीडियो लाने के लिए उम्मीद हो। मैंने इस ग्लास की बॉटल में सिंगल कोट किया है, क्योंकि ब्लैक कलर है तो बेस जल्दी से आसानी से हमारा इसमें हो जाता है। इसको 5-10 मिनट के लिए सूखने के रख दें। मैंने इसको सूखा लिया है अच्छे से। अब इसके बाद में हम रैंडम फ्लावर बनाएंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सके। तो आपको वन स्ट्रोक फ्लावर बनाना है। आपको एक ब्रश लेना है, जो भी आपको कलर पसंद है उसमें ब्रश को डिप करिए और नॉर्मल ब्रश को ऐसे रखते जाइए जैसे मैं रख रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे वैसे ही सेम आपको ये पूरे प्रोसेस करने हैं। जिस भी कलर को आपको फ्लावर चाहिए, आप उस कलर का पेंट लीजिए और ब्रश में से डुब करके आप इसमें ऐसे ही बनाते जाइए। रैंडम आपको बनाना है। जिनको बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती है, ये वीडियो खासकर उनके लिए ही है, ताकि वो भी पेंटिंग कर सके। क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का पेंटिंग कर पाना तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमको छोटे छोटे से जार्स हैं उनको डेकोरेट करना है, तो हम इसी तरह का पेंटिंग आसानी से बना सकते हैं। हमारी जो पेंटिंग थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूंगी। उसके बाद में हम इसमें मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करेंगे। तो आप सिंपल सा एक पानी का बॉटल लीजिए और इसमें से उसको भर दीजिए। कुछ प्लांट्स से आप मनी प्लांट की कटिंग ले लीजिए और सिंपल सा इसमें पानी के अंदर इसको डुबो के रख दीजिए। तो हमारा आसान से बनने वाला डेकोरेशन के लिए तैयार है ये ग्लास का जार। आप इसको कहीं पर भी रखिए, ये आपके घर की सुंदरता जरूर बढ़ाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।